गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश शेड्यूल लवर्स, इंग्लिश विद डॉक्टर बीपी सर। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, दिस विल हेल्पफुल फॉर यू इन आइदर TGT, PGT, GIC लेक्चरर और अदर कॉम्पिटेटिव लाइक्स SSC, CGL, NDA, एयरफोर्स। I have taken a vocab series for you, the one word substitution. I'll present you, I'll give you a series of vocab. First of all, the root words and then the objective words. मैं आपके लिए one word substitution की series लेके आ रहा हूँ, उसमें आपके most important कुछ one word substitution हैं। One who kills or murders someone. ऐसा व्यक्ति जो किसी को मारता है या किसी का मर्डर करता है, किल्स और मर्डर्स, यू नो, हत्या करना, उसके लिए उस वर्ड में अंत में आएगा साइड। साइड मीन्स किसी की हत्या करना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रिक और क्विक लर्न करने हैं तो सीखिए, चलो आइए चलते हैं। वन हु किल्स वन सेल्फ, एक व्यक्ति जो स्वयं को और ओन सेल्फ, खुद की हत्या कर दे, तो ऐसे आपको एक ट्रिक लर्न करने के लिए, स्वयं की हत्या कर दे तो उसको कहेंगे सुसाइड। स्वयं की हत्या, सुसाइड, आत्महत्या करना। ऐसे ही वन हु किल्स और मर्डर्स ऑफ हिज फादर, फादर को हिंदी में क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, पिता। और पिता के लर्न करने के लिए पैट्रीसाइड, पिता की हत्या करे, पैट्रीसाइड, स्वयं की हत्या करेगा, सुसाइड। इस तरीके से नेक्स्ट, वन हु किल्स और मर्डर्स ऑफ हिज और हर मदर, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, माँ की हत्या करने वाला, मैट्रीसाइड, जो अपनी माँ की हत्या करे, मैट्रीसाइड। इस तरीके से नेक्स्ट वर्ड है वन हु किल्स और मर्डर्स ऑफ हिज सिस्टर, तो इसके लिए एक वर्ड आता है सोरोरी साइड, सिस्टर, सिस्टर की हत्या, सोरोरी साइड। तो फादर के लिए हम हिंदी में कहेंगे पिता, तो पैट्रीसाइड, और माँ के लिए हम कहते हैं माँ, तो मैट्रीसाइड। ऐसे ही हम सिस्टर, तो सोरोरी साइड। वन हु किल्स और मर्डर्स ऑफ हिज ब्रदर, ब्रदर के लिए एक इंग्लिश वर्ड है फ्रेटरनिटी, तो उसमें से एक वर्ड बना हुआ है फ्रेटरीसाइड, भाई की हत्या करना, ब्रत हत्या। वन हु किल्स ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या करे, ऐसे को क्या कहेंगे, इक्सोरी साइड, इक्सोरियस वर्ड में से बनाए, इक्सोरी साइड, वाइफ की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा, इक्सोरी साइड, साइड अंत में आ रहा है। वन हु किल्स इन्फेंट, जो किसी इन्फेंट शिशु की हत्या कर दे, तो इन्फेंटी साइड। हिंदी का लर्न करने के लिए हिंदी में जोड़ लीजिए और इंग्लिश का लर्न करने के लिए इंग्लिश में जोड़ लीजिए, तो इन्फेंट की हत्या करने वाले क्या कहेंगे, इन्फेंटी साइड। वन हु किल्स किंग्स और मोनार्क, राजा की या मोनार्क की हत्या करने वाले को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, राजा की हत्या, रेजी साइड, राजा से जोड़ लीजिए लर्न करने के लिए। ऐसे ही वन हु किल्स हिज पेरेंट्स और फादर, फादर पेरेंट्स दोनों, फादर के लिए एक वर्ड पहले हमने बताया पैट्रीसाइड, लेकिन फादर और पेरेंट्स बोथ, तो उसके लिए एक वर्ड आता है पेरेरीसाइड। वन हु किल्स हिज वंस चाइल्ड और हिज ओन चाइल्ड, ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चे की हत्या कर दे, ऐसे को क्या कहेंगे, फिलीसाइड, क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, फिलीसाइड। वन हु किल्स और किलिंग ऑफ अ गॉड इज कॉल्ड डाईसाइड, ईश्वर की, देवी देवताओं की हत्या करना। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन और लार्ज ह्यूमन, नंबर ऑफ ह्यूमन, इज कॉल्ड होमीसाइड, एक घर में पूरे सोते के सोते व्यक्तियों की जैसे हत्या कर देते हैं, कहते हैं कि पूरे घर की हत्या कर दी, ऐसे ही किलिंग ऑफ ह्यूमन, होमिसाइड। किलिंग ऑफ वंस स्पाउज, स्पाउज पति पत्नी दोनों के लिए वर्ड आता है, तो जो ऐसा व्यक्ति जो पत्नी की या पति की हत्या कर दे, तो उसके लिए क्या आता है, मैरिटीसाइड, मैरिड से बना हुआ है। ऐसे ही किलिंग ऑफ अ डॉग, डॉग के लिए वर्ड आता है कैनन, कैनी साइड,